हाय, आज हम पर्सन की जानकारी लेंगे। पर्सन की जानकारी लेना काफ़ी आवश्यक है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जिस प्रोनाउन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर्सन कहते किसको हैं? पर्सन मैन को कहते हैं जो मैन को डिनोट करे, आदमी को डिनोट करे, यानी पर्सन डिनोट्स अ मैन। ओके, पर्सन जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन जो होता है वह बोलता है, जो बोल रहा होता है वह फर्स्ट पर्सन होता है। ओके, सेकेंड पर्सन जिससे जो है बात की जाती है वह सेकेंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जाए वह थर्ड पर्सन है। आई वी जो है फर्स्ट पर्सन है, और इसके डिफरेंट फॉर्म जो है फर्स्ट पर्सन में है, जैसे आई का माई, माइन, माई सेल्फ, वी का आवर, आवर्स, आवर सेल्फ्स। ओके, यू जो है सेकेंड पर्सन है, और यू के डिफरेंट फॉर्म जैसे यू का योर, योर्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। ओके, इन दोनों के अलावा बाकी जो बच जाते हैं वो सारे थर्ड पर्सन में होते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, पेन, बुक, रघु, ये सारे थर्ड पर्सन हैं। और इनके फॉर्म जैसे ही के हिज, हिम, ओके, शी का हर, हर सेल्फ, हर्स, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्व्स, तो ऐसे जो है ये फॉर्म ये सारे जो है थर्ड पर्सन में होते हैं। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट जो है मैं पहले लिख लेता हूँ। पर्सन, पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। ओके, इसे प्लूरल पढ़ेंगे, प्लूरल नहीं पढ़ेंगे। ओके, ध्यान रखना है प्रोनाउंसिएशन इसकी जो होती है प्लूरल। फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर में इस्तेमाल होता है, वी जो है प्लूरल में इस्तेमाल होता है, और आई के जो फॉर्म होंगे वो सारे सिंगुलर, जैसे माई सिंगुलर, माइन सिंगुलर, वैसे ही वी के प्लूरल होंगे। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर में भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल में भी इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन जो है ही, शी, इट, मोहन, इच, ये सिंगुलर फॉर्म है। एनी बडी, नो बडी, इच, एवरी, ऐसे जितने भी वर्ड्स जो हैं, जो प्रोनाउन जो हैं, ये सारे सिंगुलर हैं। दे जो है प्लूरल फॉर्म में, थर्ड पर्सन का प्लूरल, ये बहुत ध्यान रखना है। ये जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर ये है ही, शी, इट, कोई भी नाम या इंडिफिनिट प्रोनाउन या कोई भी आई, यू और वी के अलावा जो भी है। ओके, दे जो है ये आपका प्लूरल फॉर्म है। ओके, अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन आ जाए, जैसे यू, ही, आई, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो हम किसे पहले रखेंगे? तो इसे हम 231, यानी टू का मतलब यू, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इस फॉर्म में रखेंगे। जैसे यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तुम, वह और मैं जो है दोस्त हैं, इस फॉर्म में रखेंगे 231। अगर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो तो 2-3 के फॉर्म में रखेंगे, पहला सेकेंड पर्सन आएगा फिर थर्ड पर्सन। अगर सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो तो 2-1 के फॉर्म में रहेगा, 3-1 के फॉर्म में रहेगा अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो। ओके, जैसे ही, और ही के बाद यू आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ही से पहले यू रहेगा। ओके, यहाँ पे इस के हिसाब से यू एंड आई आर फ्रेंड, यू 2 और आई जो है 1, 2-1 के फॉर्म में यू एंड आई आर फ्रेंड, ही एंड आई आर फ्रेंड, ही जो है 3-1। ओके, लेकिन अगर तीनों पर्सन हो या 2 पर्सन हो और उससे किसी सीन, क्राइम, किसी गलती ऐसा बोध हो, तो उस कंडीशन में हम उसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का अर्थ आई, यू एंड ही, यानी 123 के फॉर्म में 1-2-3, फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, तो आई, यू एंड ही आर गिल्टी या आर क्रिमिनल्स। ओके, यहाँ पे जो है अगर आई और ही हो तो ये यहाँ पे सेम 1-3, 1-2, 2-3 ऐसे फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ऐसे जो है प्रोनाउंस के प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व भी किए जा सकते हैं जो पर्सन से रिलेटेड हो। ओके, ये पर्सन के डिफरेंट फॉर्म है। पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, यह जो है पजेशन को बताते हैं, जब नाउन कि जस्ट पहले अधिकार को बताया जाए तो पजेसिव एडजेक्टिव से बताते हैं। पजेसिव प्रोनाउन
ये भी पोजिशन बताता है लेकिन नाउन के पहले नहीं होता है, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जब ऑब्जेक्ट की तरह हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, और रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन जब रिफ्लेक्शन हो किसी भी काम का किसी प्रोनाउन पे, तो वो रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक प्रोनाउन होता है, या इम्फैटिक जोर देने के लिए, दबाव देने के लिए, जोरदार बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म्स देख लेते हैं, जैसे आई का माई, ओके, पजेसिव एडजेक्टिव में, पजेसिव प्रोनाउन में माइन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी, रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक में माई सेल्फ, वैसे ही सारे चेंज होते हैं। इसमें जो दाऊ है, ये दाऊ बिब्लिकल वर्ड है, बाइबल का वर्ड है, पहले इस्तेमाल होते थे, रिस्पेक्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। और दाऊ जो है ये आर्केइक वर्ड भी है, ओल्ड वर्ड है यू का। तो दाऊ से दाई, पजेसिव एडजेक्टिव, फिर पजेसिव प्रोनाउन जो है दाइन, दी, और दाई सेल्फ। इसमें सब में सेल्फ या सेल्फ लगे हुए हैं, सेल्फ लगेंगे जब सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो सेल्फ लगेंगे। यू के साथ सेल्फ भी लगा हुआ है, सेल्फ भी लगा हुआ है। ओके, इसमें ज़्यादातर जो है पजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ लगाते हैं, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, दाई सेल्फ, लेकिन यहाँ पे हिज सेल्फ नहीं, हिम सेल्फ, यहाँ से हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ओके, इट सेल्फ यहाँ से लिया गया, और देयर से देम सेल्फ यहाँ से। ओके, तो एक ये हो गया इट सेल्फ, एक ये हो गया, ओके, और हर हर सेल्फ सही है, हिज हिम सेल्फ, यहाँ पे तीन यहाँ से लिए गए हैं। ओके, एक बार हम कुछ एग्जाम्पल देके इसे समझ लेते हैं। वैसे जो है ये पूरा आप एक बार ध्यान से देख लेंगे और कैसे इस्तेमाल होगा अभी मैं बता देता हूं। ओके, जैसे अगर सेंटेंस हो ही, ओके, गिव मी अ, ही गिव मी अ पेन। ओके, तो यहां पे ही सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्लियर। गिव मी, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, तो मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। और जब भी ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे तो मी इस्तेमाल करेंगे, माई, माइन, माई सेल्फ, आई, ऐसा कभी इस्तेमाल नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही टेल्स मी, यहाँ पे मी इस्तेमाल होगा, आई नहीं इस्तेमाल होगा, हर इस्तेमाल होगा, हिम इस्तेमाल होगा, देम इस्तेमाल होगा, दे नहीं इस्तेमाल होगा, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और जब सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होगा तो ही इस्तेमाल होगा, शी इस्तेमाल होगा, ही इस्तेमाल होगा, दे इस्तेमाल होगा, ये नहीं फॉर्म फिर यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ आप समझ गए, पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आते हैं, यू रीड योर बुक, यू रीड योर बुक है जैसे। ओके, तो यहाँ पे योर नाउन के पहले है, पोजिशन को बता रहा है उसकी किताब। ओके, तो इस कंडीशन में योर का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ जब भी नाउन के पहले अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल, पर्सन का इस्तेमाल हम करना चाहें, ओके, तो ये एडजेक्टिव का फॉर्म पजेसिव एडजेक्टिव ही इस्तेमाल होगा, जो माई आवर था, क्लियर। अगर पोजिशन ही बताएं, जैसे हो This book is mine. Okay, तो यहाँ पे जो mine है ये भी possession बता रहा है। Okay, लेकिन यहाँ पे ये जो है possessive pronoun की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो जब भी ऐसा sentence हो तो उसमें हम ये जो pronoun है वो इस्तेमाल करेंगे। Okay, और reflexive pronoun, जैसे reflexive और emphatic में देखते हैं, जैसे I enjoy myself, I myself did it. Okay, तो ये possessive जो ये reflexive या emphatic pronoun हुआ। अब यहाँ पे कुछ मैं जो है work आपको दे देता हूँ, आप ये work जो है करके comment box में जो है आप इसे जरूर लिखेंगे। जैसे A का answer आपको लिखना है, okay, A में जो है he कौन सा person है, कौन सा person है A, ही, सॉरी, बी में, ओके, इट सेल्फ, ये कौन सा पर्सन है, ओके, सी नंबर, आई नीड योर पेन,
यहाँ पे आई कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, योर कौन सा जो पर्सन है, ओके ये आपको बताना है। और पर्सन में कौन सा, जैसे ये सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन में ये कौन सा फॉर्म है, ओके डी नंबर सी राम इट नोबडी ओके इच, ये कौन कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में आपको बताना है। ओके तो ये आपका जो है ये टास्क है, कमेंट में जरूर आप इसे लिखें और ये काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि आगे जो है हम वर्ब पे वीडियो लेकर आएंगे। ओके ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक करें। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।